छूट गई ट्रेन। दिलशाद अंकल की गाड़ी है, इसमें मैं जा रहा हूँ रिश्तौन। स्कैम हो गया भाई। मुझे लगा हेल्प कर रहे हैं। और Have you seen a house like this before? No. मैं पहले बार ऐसे किसी पॉटर के फैमिली में रह रहा हूँ। कुम्हार बोलते हैं ना हमारे इंडिया में, हिंदी में। मैंने एक टर्किश पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसमें चीज़ और हनी होता है। चीज़ एंड हनी। चीज़ एंड हनी। ओके, इट्स गुड। गुड, परफेक्ट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं उज़्बेकिस्तान के कैपिटल सिटी ताशकंद में घूम रहा था। ताशकंद के बाद मैं उज़्बेकिस्तान के फरगाना वैली की तरफ निकल गया। वैसे तो मुझे ट्रेन लेके ताशकंद से कोकन सिटी जाना था, पर बारिश और ट्रैफिक की वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई। यहाँ पर सिग्नल हो रखा है, ट्रेन 3 मिनट में छूट जाएगी। यार छूट गई ट्रेन। 8:02 की थी ट्रेन और अभी हो गए हैं 8:05। देखते और कैसे जाऊंगा। तो यार बस तो यहाँ से नहीं मिलती है, मैंने पता किया, तो टैक्सी ही जाएगी। और ये शेयरिंग टैक्सी है, 4 लोग बैठ के जाएंगे। अराउंड 300 किलोमीटर है यहाँ से कोकन से। एक्चुअली मैं आगे जा रहा हूँ, रिश्तौन बोल के एक सिटी है, उधर जा रहा हूँ। तो रिश्तौन का मुझसे ले रहे हैं अराउंड 1100 रुपये, 1.5 लाख सोम ले रहे हैं। ते आंधी जान, आंधी जान से आइए अंकल। दिलशाद अंकल की गाड़ी है, इसमें मैं जा रहा हूँ रिश्तौन। एंड दिलशाद अंकल करो शो। सभी 3 लोग आ गए हैं। एक ये भाई है, एक अंकल अंदर दीदी बैठी है और मैं हूँ। एक और जन का वेट कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे, निकल जाएंगे रिश्तौन के लिए। तो 4 लोग आ गए हैं, ये अपने तीसरे बंदे। सलाम वालेकुम। बाकी वो एक दीदी है। तो हम उज़्बेकिस्तान के कंट्री साइड की तरफ जा रहे हैं, फरगाना वैली में जा रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे पहाड़ है, लाइक सुंदर लग रहे हैं यार, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पेट्रोल स्टेशन पे रुके हम। ये हाईवे ताशकंद को फरगाना वैली से जोड़ता है, जो कि कंट्री की मोस्ट फर्टाइल और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। फरगाना वैली को उज़्बेकिस्तान का फूड बास्केट भी बोला जाता है। पूरे उज़्बेकिस्तान का अराउंड 35% एग्रीकल्चरल आउटपुट फरगाना वैली से ही आता है, इसलिए ये हाईवे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फरगाना वैली का रास्ता उज़्बेकिस्तान के कामचिक पास से होकर गुजरता है, जो कि तियन शान माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है और लगभग 2300 मीटर्स की हाइट पर है। ये रास्ता वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे। चाहे आप ट्रेन से आओ या फिर बाई रोड आओ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पे। यहाँ पटीर मिल रहा है, मैंने सुना है काफ़ी अच्छा होता है। और मेरे हॉस्टल में एक जन ने मुझे टेस्ट करवाया था पटीर, नमकीन सा होता है, एक लेता हूँ मैं, खाएंगे भाई। सलाम वालेकुम। पटीर हिंदुस्तान। उज़्बेकिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया में ब्रेड्स एक स्टेपल फूड होती है लोगों की, और हर सिटी में ब्रेड बनाने का तरीका अलग होता है। तो मैं फरगाना वैली के पहले सिटी कोकंद में आ गया, जहाँ पे सभी ने, गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पतीर खरीदे थे, तो मैंने भी अपने लिए खरीद लिया और ये काफ़ी टेस्टी होता है। गाड़ी में और भी लोगों ने यहाँ से ब्रेड्स लिए हैं, शायद बहुत फेमस होगा, तभी रोका यहाँ पर। टेस्टी है, नमकीन है थोड़ा सा, अच्छा है। ये छोटा वाला, एक और बड़ा वाला भी है, तो दोनों का मिला के 10,000 का। साइज देखिए इस ब्रेड का, ये मेरा हाथ है और ये ब्रेड इतना बड़ा है। ये कोकंद की स्पेशलिटी है। बाय बाय। ओके गाइस, तो शाम के 4:45 बज गए हैं, मैंने अपना रूम ले लिया है यहाँ पे, और रिश्तौन में हूँ मैं। रिश्तौन फरगाना वैली में पड़ता है और ये बहुत ही फेमस है सिरामिक्स के लिए। ये सब आप जो देख रहे हो डिशेस, इन सब के लिए। हमने रेगिस्तान स्क्वायर में भी देखा था, मद्रासा के अंदर ऐसे इस टाइप के
सेरामिक्स। तो ये एक लोकल पॉटर का ही घर है, पॉटर फैमिली का घर है। और रिश्तौन का पूरा एरिया जो है ना, उस पूरे एरिया के अंदर ग्राउंड के नीचे डिपॉजिट्स मिलते हैं क्ले के, पूरे रिश्तौन एरिया में। सो अराउंड 0.5 से लेके 1.5 मीटर तक ग्राउंड के नीचे क्ले मिलता है, और उसमें बिना कुछ मिलाए डायरेक्टली उससे ऐसे क्ले के सिरामिक्स बन सकते हैं। ये हमारे होस्ट भाई साहब अजीज इंटरनेट यस 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 अजीज भाई साहब है। ये मुझे शॉप दिखा रहे आसपास, इसको मैगजीन बोलते हैं यहाँ पे, जनरल स्टोर को। नमस्ते रविंदिया ने उस शॉप से कुछ सामान खरीदा है। वहाँ पे मिठाई काफ़ी, मिठाई मतलब कुकी वगैरह और चॉकलेट वगैरह काफ़ी मिल रहे थे। मैंने एक एक पीस ले लिया टेस्ट करने के लिए। और ये छाछ मिलता है यहाँ पे, ये टेस्टी लगा मुझे, अच्छा था। बाकी मैं ऐसे घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे आसपास क्या है, और एटीएम चल जाता हूँ क्योंकि इनको पेमेंट मैंने नहीं किया है। और जिस टैक्सी में मैं आया वो बोले कि आपको रिश्तों में एटीएम मिल जाएगा, पर यहाँ तो एटीएम थोड़े दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं वॉक करके एटीएम में जा रहा हूँ। इधर तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इधर ट्रांसलेटर बिना बात करना बहुत मुश्किल है, और लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं, एक्शन से समझाना पड़ रहा है या तो ट्रांसलेटर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी ये है रिश्तौन, छोटा सा गांव तो नहीं बोलूँगा, टाउन लग रहा है ये। एकदम सड़क के बीच में सेंटर में राउंड अबाउट पे सेरामिक का पॉट बना हुआ है। ये टाउन फेमस है सेरामिक के लिए। मुझे एक भाई मिल गए हैं, तो वो मुझे एटीएम तक लेके जा रहे हैं। मैं शॉप पे ही था तो बोले कि चलो मेरे साथ ही एटीएम चल लो। मैंने जस्ट पूछा था कि एटीएम कहाँ है, और इनको वीडियो में नहीं आना है तो मैं दिखाऊंगा नहीं। ऐसा लग रहा है बहुत ही पुराने ज़माने में आ गया मैं, राजपूत है, क्योंकि शॉप्स बहुत इंडिया कलकत्ता। स्कैम हो गया भाई मुझे लगा हेल्प कर रहे हैं, और ये तो मतलब बोले कि मैं टैक्सी हूँ, ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ा। मैंने बोला चलो ठीक है, यहाँ तक ड्रॉप कर दिया, बाकी मैं पैदल चल जाऊँगा। तो हार्डली कितना, आधा मिनट था मैं गाड़ी के अंदर, बोलते 20,000 सोम दे दो। मैंने बोला यार इतना तो मेरे पास नहीं है, आप ले लो। मैंने 10,000 दिया तो 80-85 रुपये लगे हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उसके वजह से ये सब भी हो सकता है। मुझे लगा वाह यार लोग कितने अच्छे हैं। इस एरिया में थोड़ा चहल पहल है, और आगे ही एटीएम है, एग्रो बैंक। ये एटीएम, पैसे विड्रॉ हो गए हैं इस एटीएम से, और जैसे ताशकंद वाले एटीएम पे 15,000 सोम का चार्ज कटा था 10 लाख के लिए, तो मैंने फिर से 10 लाख निकाले और 15,000 सोम का चार्ज कटा है। उज़्बेकिस्तान में मेरा फेवरेट डिश है सोमसा, जो अभी सोमसा स्कूल का कर्तोष के बीच में। मैं यहाँ से स्वीट कॉर्न ले रहा हूँ, कुछ गरम खाने का मन था। काकतीविया जबूत शाहजहाँ अकबर शाहजहाँ बाबर। सो मैं वापस आ गया। इस जगह का नाम है सैयद सेरामिक्स, SAID सैयद सेरामिक्स, सही है। अच्छा है, ये खुला सा आंगन टाइप का जगह है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, इधर सेकंड फ्लोर बोलते हैं इसको। वो पूरा एरिया ही वर्कशॉप का है आगे से जाके पूरा। और ये है मेरा रूम, ये इसका वॉशरूम, इतना बड़ा गीजर है देखो। ठीक है, ये है वॉशरूम और ये रूम। यह रूम में एसी भी रहता है क्योंकि गर्मी के सीज़न पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पूरे उज़्बेकिस्तान में। इस रूम का मैं पे कर रहा हूँ $20 पर नाइट, अराउंड 1600-1700 रुपये पर नाइट। अच्छा है, प्राइवेट रूम है, प्राइवेट वॉशरूम है, और इतना रिमोट जगह है, वो तो बाहर जाके समझ में आ गया मुझे, क्योंकि हर एक शॉप काफ़ी डिस्टेंस पे है। ताशकंद जैसा नहीं है कि
सब कुछ एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है, बहुत सारे शॉप्स हैं, शॉप्स हैं यहाँ पे, लेकिन 1.5 किलोमीटर वॉक करके जैसे मैं एटीएम गया उस एरिया में काफ़ी सारे चीज़ें, पर यहाँ पे आसपास 4-5 दुकान ही हैं बस, और कुछ नहीं है। जो भी है, काम हो गया मेरा, अभी खाने पीने का सामान लेके आ गया। आज का दिन काफ़ी लंबा था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली मैंने ट्रेन मिस कर दिया सुबह सुबह, और फिर उसके बाद टैक्सी लेके यहाँ आया, यहाँ पे भी एक टैक्सी वाले ने स्कैम कर दिया। बाल बहुत बड़े हो गए, देखता हूँ कहीं कटवाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है रिश्तौन में मेरा सेकेंड डे, कल शाम को मैं यहाँ पे आया था, और आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे कितने सारे सिरामिक्स के प्लेट्स वगैरह और सब कुछ रखे हुए। मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। शी इज यकुत, यकुत ये बोनो की फ्रेंड है। बोनो ने मुझे समर कैंप में भी काफ़ी हेल्प की थी, और इवन यहाँ भी एक कॉन्टैक्ट दे दिया। तो शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। आर यू अ स्टूडेंट? Yes, I'm student at Fergana University. Oh, okay, okay. Which year? Junior year. Junior means how many? Third. Third? Yeah. Oh, Bonu is also third year student in Samarkand. Yes, she is in Samarkand. I really like this place. Yeah. They are traditional potter family. Yes. Yeah. They deal with such ceramics with their family. Mm. And it's their ancestral work. Do you know them before, or have you come here for the first time? First time. First time? Yes. So do we find these families a lot in Rishton? Yeah. There are many such families. Yes. Okay. Call. Call? Dekh la sir. Namaste. Namaste. Call the course. Namaste. Namaste. This day. He's just joking, uh-huh. And he said that meat is so expensive, uh-huh. And that's why I can't give you meat. I also don't eat meat. That's good. That's a good thing. Yeah. So breakfast में यहाँ पे ये है porridge, pancakes. This is pancake, right? Pancake. Lemon. ये sugar है and dates, khajur, bread. This is here, local bread. Yeah. Local bread. I hope you won't be irritated by my mistakes. No, not at all. So this is the first time you're speaking to a foreigner? Yes. Oh, nice. यकुत मुझे इस जगह का टूर दे रही है, ऑल दो ये खुद पहली बार यहाँ पे आई है, बट इनको काफ़ी नॉलेज है इस जगह के बारे में, एंड ये अभी इंग्लिश टीचर बनने वाली है। आई थिंक इन नेक्स्ट ईयर यू वुड बी बिकम अ टीचर? यस। ओके, so you will teach English where? Here only? In schools I will teach. Schools in Rishton? In Rishton, yeah. Apart from ceramics, they also do paintings? Yeah, paintings. Mm. Very beautiful. Yes. Have you seen a house like this before? No. No? No. Oh, first time? Yeah. You like this place? Yes. It's more like a museum for me. These people are their ancestors. Oh. Hello. Как тебя зовут? Шерзо. Painting. देखिए पहले ऐसे grids बनाते हैं. और कितना इजीली बना रहे, देखो। ये अंदर ऐसा दिखता है, देखिए कितने सुंदर लग रहे ब्रेड्स। करो शो। ये पूरा घर एक म्यूजियम जैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है। पेंटिंग्स, डिजाइन्स, जो भी आर्ट वर्क है यहाँ पे। मैं पहले बार ऐसे किसी पॉटर के फैमिली में रह रहा हूँ। कुम्हार बोलते हैं ना हमारे इंडिया में, हिंदी में, तो पहले बार किसी कुम्हार के घर पे रह रहा हूँ।
सो मैं यहाँ एक रात था, अच्छा लगा रुक के। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने नेक्स्ट सिटी मरगिलान। सो युकुत अभी फरगाना जा रही है जो मरगिलान के पास ही है, तो उन्होंने बोला आप भी आ जाओ उसी टैक्सी में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय को रशियन में बोलते हैं दस्विदानिया। बाय बाय मैन, बाय बाय बाय। वेरी गुड पेंटर। मरगिलान यहाँ से जस्ट अराउंड 35 से 40 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने सोचा था हिचाइक कर लूँगा पर इनका साथ मिल गया। ये फरगाना जा रही है मरगिलान से और थोड़े आगे। मैं अभी चलते चलते उस टूर के बाद यहाँ आया, अनोर फैमिली कैफे। योर नेम? बेक। बेक। योर नेम? ओके। मैंने यहाँ पूछा कि कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन है कि नहीं, तो इन्होंने अपना मेन्यू कार्ड दिखाया। ये इंग्लिश समझते हैं, 16 साल के हैं बस, इधर काम करते हैं। यू वर्क हियर? यू आल्सो वर्क हियर? ओके। तो ये दोनों यहाँ काम करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्किश टी मिली है और ये मेरे हाथ में डेट्स खजूर। मेहमान नवाजी हो रही है यहाँ मरगिलान में। मैंने एक टर्किश पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जिसमें चीज़ और हनी होता है। चीज़ एंड हनी? चीज़ एंड हनी। ओके, इट्स गुड? गुड, परफेक्ट। तो देखते हैं कैसा है। और ये अभी कुछ डिनर कर रहे हैं ये दोनों और इन्होंने बोला यू कैन जॉइन अस। सो मैं यहीं बैठ गया, बजाय इसके कि अलग किसी टेबल पे बैठता यहीं बैठ गया, बातचीत होती रहेगी। टर्किश टी अच्छा है, इट्स गुड। एंड व्हाट इज दिस? दिस चेरी जूस। चेरी जूस, चेरी जूस। ये बाद में पीते हैं पिज्ज़ा के साथ, इसको पिज्ज़ा बोलते हैं। देखते हैं, अलग ही अजीब सा शेप था उसका। हिज नेम? योर। ओके, कैफे के ओनर है एंड ये अपना खाना आ गया। ओके, गुड गुड गुड। आई लव यू इंडिया। ताज महल। आई लव शाहरुख खान। शाहरुख खान, अब्दुशी शाहरुख खान। रे शाहरुख खान, हेलो। टर्किश पिज्ज़ा चीज़ एंड हनी। ओके, इसको हनी में ऐसे लगाते हैं। धनिया वाली टेस्टी है, इट्स वेरी टेस्टी। व्हाट डू यू से? व्हाट्स द नेम? पिडे। पिडे चीज। पिडे चीज। पिडे चीज। पिडे चीज। ओके। ओह ब्रदर, यू आर सो मेनी ब्रदर्स। नूर मोहम्मद, ही इज अ बिग ब्रदर। ओह बिग ब्रदर, नूर मोहम्मद। यहां इज द बिगेस्ट। He makes the bread. Yeah, no, he cooks the bread. Okay. बहुत भाई है भाई इसके। ये एक्चुअली ओनर के बेटे हैं। ये भी इनके भाई। He is also your brother? No, friend. Your friend or brother? My friend. Friend brother. Oh, hey, buddy. You cooking? Pizza, pide. Oh, cook. He's the chef. Perfect. He's the chef. Oh, хорошо. बहुत टेस्टी है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। बाय बाय। गुड बाय। गुड बाय। या। गुड वर्क। गुड। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। आई लव यू। एंड आवर फैमिली कैन। आई लव फैमिली कैन। गुड। आई एम सो मैन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।